यह भी एक बहुपद है, यानी कि फिर से देखते हैं बहुपद किसे कहते हैं, यानी कि ऐसे व्यंजक जिसके अंतर्गत बहुत से पद हों उन्हें हम बहुपद कहते हैं। सबसे पहले अब हम बहुपद के मानक रूप को देखते हैं कि बहुपद का मानक रूप क्या है। बहुपद के हम px इस सिंबल से दिखाते हैं और इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। कंडीशन इसके साथ क्या है, जहां an जो है वह जीरो के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि हम बहुपद को px, fx या gx किसी भी प्रकार से दिखा सकते हैं। और हमारा मानक रूप क्या कहता है, px जो है एक ऐसा व्यंजक है जहां an x to the power n plus a to the power an minus 1 x to the power n minus 1 plus and so on a 2 x square plus a 1 x plus a 0। यहां पर अब हम देखते हैं an क्या है, an minus 1 a 2 a 1 a 0 ये सब जो हैं अचर हैं। अचर को हम पहले भी जान चुके हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका मान नियत रहता है, और यही a0, a1, a2, an माइनस वन, an यह सब क्या है, इनके गुणांक हैं। किसके गुणांक हैं, जैसे a1 जो है वह x का गुणांक है, a2 किसका गुणांक है, x स्क्वायर का। तो यहां पे हमने अभी बहुपद के गुणांकों को जाना, अब हम बहुपद की घात क्या होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी बहुपद में x पर उच्चतम जो घातांक होता है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। इस बहुपद में उच्चतम घातांक क्या है, n है, अतः यहां बहुपद की घात क्या है, n है। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं, हमारे px इस प्रकार एक व्यंजक है, प्लस 1। आप हम देखते हैं इस बहुपद की घात क्या है, यहां पर देखिए x में सबसे बड़ी घातांक वाला पद कौन सा है, x4 है, तो इस पे घात कितनी है, 4। तो यही हमारे इस पूरे बहुपद की घात हो जाएगी। और यहां पे गुणांक क्या है इस बहुपद के, इस बहुपद के गुणांक हमारे x के घात 4 के पास में कुछ नहीं लिखा, तो इसका हम समझ लेंगे 1 का गुणा हो रहा है, अतः 1 जो है वह x पे घात 4 इस पद का गुणांक है। इसी प्रकार हम संबंधित गुणांकों को भी जान सकते हैं। यहाँ पर वन क्या है, वन हमारा यहाँ अचर पद है। अब इसके बाद हम बहुपदों के वर्गीकरण पर आते हैं। बहुपदों का वर्गीकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं, बहुपदों के वर्गीकरण को करने के दो आधार हैं, एक पदों की संख्या के आधार पर, एक चर की घात के आधार पे। बहुपदों का वर्गीकरण जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं पदों की संख्या के आधार पर एकपदी बहुपद। एकपदी बहुपद क्या होते हैं, एकपदी बहुपद वह बहुपद होते हैं जिसमें केवल एक पद हो। ये हमारे इसके उदाहरण हैं। यह सभी क्या हैं, एकपदी बहुपद हैं। क्यों, क्योंकि इन बहुपदों में केवल एक ही पद है। द्विपद बहुपद क्या होते हैं, ऐसे बहुपद जिनके अंतर्गत केवल दो ही पद हो। यहाँ पर हमारे पास एक उदाहरण लेते हैं, x plus 2x square
यह सभी क्या हैं? हमारे द्विपद बहुपद के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इन सभी बहुपदों में केवल दो ही पद हमको दिख रहे हैं। अब हम शून्य बहुपद को देखते हैं। शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें सभी के गुणांक शून्य हो, जितने भी उसमें है पद उसमें सभी के गुणांक शून्य हो, वह शून्य बहुपद कहलाता है। ये आपने देखा। इसी प्रकार ये क्या है? शून्य बहुपद का उदाहरण है। अब जरा हम त्रिपद बहुपद को भी देखें। त्रिपद बहुपद आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन ही पद होते हैं। यह सब क्या है? त्रिपदी बहुपद के उदाहरण है, क्योंकि देख रहे हैं आप इन बहुपदों में केवल तीन ही पद हैं। इसके बाद बहुपद का वर्गीकरण हम चर की घात के आधार पर करेंगे। चर की घात के आधार पर हम देखते हैं, हम सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद। यह हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, जिसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। यहाँ पे कंडीशन साथ में क्या लगी हुई है? ए जो है वह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। आइए इसके हम कुछ एक उदाहरण देख लें। जैसे 2x प्लस 3, यहाँ पर x पे घात क्या है? 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद हो गया। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। इसके बाद हम द्विघाती बहुपद को देखते हैं। द्विघाती बहुपद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा बहुपद जिसमें घात 2 हो। इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर x प्लस सी है। कंडीशन में भी साथ में क्या लग रही है? a इज नॉट इक्वल टू 0। आप एक चीज देख रहे होंगे, हम दोनों ही जगह लिख रहे हैं कि एक के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसको पहले समझते हैं। अगर ए जीरो के बराबर हो जाएगा तो देखिए क्या होता है, जीरो इंटू एक्स प्लस होते ही ये हमारे पास क्या बन गया? बी, क्योंकि यह पद तो शून्य हो गया। तो यह अब रैखिक बहुपद रहेगा? नहीं, क्योंकि इस बहुपद की घात 1 होगी ही नहीं। ठीक इसी प्रकार कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू 0 लग रही है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही a यहाँ पर 0 हो जाता है तो यह पूरा पद जो है वह शून्य हो जाएगा। अतः फिर यह द्विघाती बहुपद नहीं रहेगा। इसके बाद हम जरा त्रिघाती बहुपद देखते हैं। त्रिघाती बहुपद, फिर से देखिए, नाम सिर्फ और सिर्फ आपको नाम देखना है। त्रि अर्थात 3, द्वि अर्थात 2। तो ऐसा बहुपद जिसमें की घात 3 हो उसको हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती प्लस डी, यहाँ पर भी कंडीशन क्या है? ए जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप है। आइए जरा हम द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद के उदाहरण देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, क्या यह द्विघाती बहुपद है? हाँ, यह द्विघाती बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x पर अधिकतम घात क्या आ जा रही है? 2। इस बहुपद की घात 2 है, तो यह एक द्विघाती बहुपद है। इसी प्रकार अगर देखें हम क्या यह बहुपद त्रिघाती है? हाँ, यह बहुपद त्रिघाती है, क्योंकि यहाँ x की घात कितनी है? 3 है। अतः यह त्रिघाती बहुपद है।
कहलाएगा। इसके साथ अब हम शून्यक क्या होते हैं इसको जानते हैं। वास्तविक संख्या a किसी बहुपद px का एक शून्यक होती है यदि pa बराबर 0, यानी अगर हम x की जगह a रख दें उस बहुपद में तो हमें उस बहुपद का मान शून्य मिल जाए। इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम एक उदाहरण लिया है, हमने px बराबर x पे घात 4 माइनस 2x पे घात 3 प्लस 2x माइनस 4। सबसे पहले इसमें x की जगह 0 रखकर देखते हैं, देखिए क्या मिलता है हमको। हमारे पास इसको हल करने पर माइनस 4 प्राप्त हो रहा है। x बराबर 1 रखकर देखते हैं, देखिए क्या मिलता है, 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4। इसको जब हम हल करते हैं तब हमको माइनस 3 प्राप्त होता है। जरा x बराबर 2 रख करके देखें, इसमें 2 पे घात 4 2 गुणा 2 पे घात 3 प्लस 2x माइनस 4। लेकिन अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे x रख दिया। हमें x नहीं रखना है, हमें क्या रखना है, x की जगह पे 2 रखना है। तो हम यहाँ पे इसको इस पद को दोबारा से कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2, क्योंकि हम मान रख रहे हैं। इस चीज को ऐसे समझते हैं, जब हम मान रखते हैं तो हम हर जगह जहां जहां x है हर उस जगह पर हम x का वह मान रखेंगे। अगर जब हमने x बराबर 0 लिया है तब हमने हर जगह x की जगह 0 रखा है। ठीक इसी प्रकार जब हमने x बराबर 1 लिया तब हमने हर जगह को 1 लिखा। इसी प्रकार जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो हर जगह हम x के स्थान पर 2 रखेंगे। इसको हल करने पर देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, शून्य। अब परिभाषा को देखते हैं, हमारी परिभाषा क्या कह रही है। वास्तविक संख्या a किसी बहुपद px का शून्यक होती है यदि x के स्थान पर अगर हम a रख दें और हमें उस बहुपद का मान शून्य मिले। तो यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर हमको इस बहुपद का मान शून्य मिल रहा है, तो x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक कहलाएगी। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हमारे पास एक और बहुपद है, px बराबर कुछ इस प्रकार परिभाषित है। इसमें भी जब हम x बराबर 1 रखते हैं तब हमको क्या प्राप्त होता है, p1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 0। तो x बराबर 1 जो है वो हमको इस बहुपद का शून्यक प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि शून्यक क्या होते हैं। शून्यक वह वास्तविक संख्याएं होती हैं जिनका मान x के स्थान पर उस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान हमको शून्य प्राप्त हो। अब हम शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ को, कि शून्य कितने महत्वपूर्ण क्यों है, हम इनके ज्यामितीय अर्थ को देखकर इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। अब हम सबसे पहले रैखिक बहुपद लेते हैं। रैखिक बहुपद हम फिर से बता रहे हैं, आप जो है क्लास 9th में पढ़ चुके हैं और आपको इसका ग्राफ अच्छे से बनाना आता ही होगा। एक बार कोशिश करते हैं हम लोग खुद। यहाँ पर x बराबर 0 रखा तब y का मान हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, तब हमें y का मान यहाँ पर 2 मिलेगा। एक बार देख लीजिए, दो
इसी प्रकार जब हम y का मान 0 रखते हैं तब हमें x का मान क्या प्राप्त होता है, -2/3। अब इसका ग्राफ खींचने की हम कोशिश करते हैं। तो इसका ग्राफ हमको एक सरल रेखा मिलेगी किस प्रकार, देखिए पहले ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारा मूल बिंदु 0। इस पर आप बराबर दूरी पर नाप कर निशान लगाएंगे। इसी प्रकार हम यहां पर ले लेते हैं, अब हम इस ग्राफ को खींचने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या प्राप्त होता है। जब x का मान 0 है तब y का मान हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 2। 2 कहां पे है हमारा, ये यहां पर है, इसको हमने पॉइंट बना लिया। इसी प्रकार जब हमने y का मान 0 रखा तब हमें x का मान कितना प्राप्त हो रहा है, -2/3, यानी कि इसका 2/3 हिस्सा। तो ये हमारा यहाँ पर प्राप्त होगा। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ी सी तिरछी आपको दिख रही है लेकिन जब आप स्केल रख करके इसको मिलाएंगे तो यह एक सरल रेखा मिलेगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, यह x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है और इसका शून्यक भी हमको क्या प्राप्त हो रहा है, केवल एक शून्यक प्राप्त हो रहा है जब y का मान 0 होता है। अब हम एक द्विघात बहुपद के आलेख को खींचने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ पर एक बहुपद ले लिया x²-3x-4 जिसमें x के संगत मानों के y के मान ये हमारे लिखे हुए हैं। अब हम इसका एक ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारी x एक्सिस, y बराबर दूरी पर निशान लगाते हुए आप जब अपनी कॉपी में काम करेंगे तब स्केल से निशान लगाएंगे तब वह हमारे बिल्कुल बराबर आएंगे। आप ग्राफ पेपर का भी यूज कर सकते हैं इसमें। आप देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इस बिंदु को हमें प्रदर्शित करना है -2.6 को। -2.6 कहाँ होगा हमारा, इसके ठीक सामने, ये हमारा ये यहाँ पर होगा। अब -1.0 हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, इसको हम लिख देते हैं। इसी प्रकार 0.-4 हमको कहां प्राप्त होगा, 0.-4 हमको ये यहां पर प्राप्त होगा। अब 1.-6 हमको 1 के सामने -6 ये यहीं पर आएगा, थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, आप इसको देख लीजिएगा, ये हमारा हो गया 1.-6। इसके साथ बाद 2 के ठीक सामने -6 यहीं पे आ जाएगा,
अगला बिंदु हमारा ये है 2, -6। अब 3 पे हमारा बिंदु कितना है? -4। ये बिंदु हमारा कुछ इस प्रकार रहेगा और 4 के सामने हमारी वैल्यू कितनी जा रही है? 6। अब हम इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक ओपन ग्राफ खींचते हैं। ये देखिए, यह हमें एक परवलयाकार ग्राफ मिल रहा है। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि हमको यह ग्राफ जो है एक्स पर किन दो बिंदुओं पर हमको प्राप्त हो रहा है। आप देखिए, दो जगह कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसके दो शून्यक होंगे। हम इस ग्राफ को देखते ही पता कर ले रहे हैं कि एक बार x बराबर 0 रखने पर -4 मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा एक और बिंदु और होगा जहां पर y का मान हमको 0 प्राप्त होगा। तो ये जो दो बिंदु है, ये इन दोनों बिंदुओं पर हमको y का मान 0 प्राप्त हो रहा है। तो हम इस बहुपद को द्विघाती बहुपद के दो शून्यक होंगे। इसके बाद हम कुछ ग्राफ लेते हैं और यहां से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए, यह लाइन जो खींची हुई है इस ग्राफ में, यह एक्स अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है। अब आप खुद बताइए इसके कितने शून्यक होंगे। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। यह ग्राफ जो है एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो इसके कितने शून्यक होंगे? 2। यह ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है? 3 बिंदुओं पर, एक ये, एक ये, एक ये। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि इसके 3 शून्यक होंगे। अब मैं एक आप लोगों को बनाकर दे रही हूं, आप लोग देखिएगा, बताइएगा इसके शून्यक कितने होंगे। अब हम बहुपदों के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ से हमको क्या निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है इसको देखते हैं। किसी शैक्षिक बहुपद, ये यहां पर गलत लिख गया है, ये यहां पर रैखिक बहुपद होगा। किसी रैखिक बहुपद px बराबर ax प्लस b का ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ परवलयाकार होता है। यदि ग्राफ का आकार इस तरह से ऊपर की ओर खुला परवलय होता है, यदि a का मान जो है वह 0 से बड़ा हो, ग्राफ का आकार इस तरह से अगर नीचे की ओर खुला होता है, खुला एक परवलय होता है, कब? जब a का मान 0 से कम हो। यह हमारे शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ निकला। किन केसेस में? एक रैखिक बहुपद के केसेस में और एक द्विघात बहुपद के केस में। अब हम देखते हैं कि इन सब की समरी से हमको एक चीज और पता चल रही है व्यापक रूप में। अगर हमारे पास कोई बहुपद n घात का है, तो उसका ग्राफ x अक्ष पर अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगा। और यहीं से हम यह देखेंगे कि जितने बिंदुओं पर वह प्रतिच्छेदित कर रहा है, यानी कि घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं, यानी कि जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा होगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। इसके बाद हम जो है अपनी पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल करेंगे और बचे हुए हिस्से को हम अपनी अगली क्लास में पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।